नागपुर बिरसा पिपला रोड से सेंट पलोटी स्कूल के पास गोल्डन एवेन्यू होम्स लेआउट के प्रांगण में सार्वजनिक अंजनी पुत्र हनुमान धाम नामक मंदिर का पुनर्स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा उत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस पवित्र अवसर पर विशेष आमंत्रित वेद शाखी पंडितों ने मंत्र उच्चार किया, जिससे संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। गोल्डन एवेन्यू होम्स के संस्थापक अशोक अग्रवाल के सहयोग से इस नवीन मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ है। अग्रवाल के विशेष भूमापन योगदान से इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। उत्सव में रेणुका किशोर त्रिपाठी मैम ने सपरिवार विशेष होम हवन यज्ञ और अनुष्ठान में सहयोग दिया। प्राचीन मंदिर का नवनिर्माण और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का संपूर्ण कार्य सचिन पिंपरापुरी के कुशल मार्गदर्शन में योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुआ। वैदिक पूजा महाआरती के पश्चात भक्तों के लिए भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था एवं आपूर्ति की जिम्मेदारी सुधीर महाजन और उनकी टीम ने कुशलता से निभाई है। इस पावन अवसर पर संकेत पावनकुरे और पूर्व सरपंच नरेश भोयर ने भी उपस्थिति दर्ज की और प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का यह अनुष्ठान आध्यात्मिकता और भक्ति भाव से ओतप्रोत रहा, जिससे सैकड़ों भक्तों ने भाग किया और पवित्र वातावरण में भक्ति का आनंद लिया। जय श्री राम, जय जय सियाराम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। आज ये प्राण प्रतिष्ठा जिस रूप में आप देख रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा हमारी लाइफ का एक बहुत अमूल्य दिन है। और ये हमारे जो हनुमान जी, श्री हनुमान जी हमारे जो हमारे मंदिर का जो हमने नाम आज ही हमने डिसाइड किया हुआ है, अंजनी पुत्र श्री हनुमान धाम, इस तरीके से हमने अपने इस प्राण प्रतिष्ठा के रूप में नाम को आज ही डिसाइड किया हुआ है। आज ही हमने इसकी रूपरेखा बनाई है। और ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे माध्यम, हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ श्री राम की कृपा, श्री शिव जी की कृपा, हमारे हनुमान जी की कृपा, गणपति की जी की कृपा, इनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। और ये बहुत हमारा सौभाग्य है, आज हमारे नए मंदिर की एक रूपरेखा तैयार हुई है। आज हम यहाँ से अपने नए जीवन का या नए एक अध्याय का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसी के साथ में हम हमेशा अपने हिंदू संस्कृति को बना के रखने के लिए हम सभी को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि आज हमारे साथ, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ भक्तों के रूप में भगवान हमसे करवा लेता है। प्राण प्रतिष्ठा बोले तो ये हमारे बस का भी नहीं होता है। आज इतना सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे हाथों से ये सारी चीज़ें हो पाई, ये पॉसिबल हो पाया, तो बस इसी में मैं संतुष्ट हूँ और इससे ज़्यादा मैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़। कॉलेज की वनडे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोमहर्षक राइड्स, ब्रेक डांस, डांसिंग कार्ट, मॉक का कुआ, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो। रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। द्वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञान वर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास द्वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क
सामने रोड पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास नागपुर।